Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Hi guys, welcome to the another vlog. और आज का ये vlog special ईद vlog है. जैसे ये हर साल मैं बनाता हूँ ईद पर. तो कल ईद है, अभी चांद रात है और थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है कुछ. वैसे तो मैं सब पहले ही कर लेता हूँ, इतनी शॉपिंग करता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी रह गई है वो मुझे करनी है. और फिलहाल फियोना क्या कर रही है? फियोना, तो फियोना ने फिलहाल सूट पहना हुआ है, बहुत प्यारी लग रही है. आप देखिए फियोना. सो गाइस, फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर. मुझे असल में टोपी लेनी है एक, और कुछ नहीं लेना है आज. कुछ ऐसी कुछ खास शॉपिंग नहीं है. और उसके बाद फिर मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे. हम उनके साथ सब बाहर जाएंगे, जैसे कि हम हर साल जाते हैं. ज़्यादा देर के लिए नहीं जाएंगे, थोड़ी देर के लिए जाएंगे, देखेंगे बाहर कैसी रौनक है, क्या हो रहा है. और उसके बाद इबादत की रात है तो इबादत करनी चाहिए. मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं जाऊँगा, आके इबादत करूँगा. तो ये इबादत की रात है, इनाम की रात है, हमें ज़्यादा इबादत करनी चाहिए. पूरे महीने हमने रोज़े रखे हैं, इबादत करी है, तो आज इनाम का दिन है, इनाम मिलना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए उसके लिए. और एक और चीज़ आपको मुझे बतानी है गाइस, सॉरी मैं ऊपर देखता रहता हूँ, मुझे भी आदत नहीं है इस कैमरे की. तो एक चीज़ मुझे और आपको बतानी है, आगे अगले हफ्ते से आपको बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स मिलने वाले हैं कमाल के. क्योंकि एक चीज़ मैंने प्लान करी है, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, सरप्राइज़ है, लेकिन बहुत कमाल के व्लॉग मिलेंगे. मैं कहीं पर जा रहा हूँ और बहुत मस्ती होने वाली है वहाँ पर. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जल्दी से कर दिए, ताकि आप वो व्लॉग्स मिस ना करें. क्योंकि अभी आपको पता है मैं व्लॉग ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो भी बनाऊँगा आपके लिए बेस्ट बनाऊँगा. जैसे कि लास्ट हमारा व्लॉग था किंगडम ऑफ ड्रीम्स का, तो वो काफ़ी पसंद आया आप लोगों को. तो ऐसा ही कुछ व्लॉग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग. और एक हफ्ते तक ये सारे व्लॉग्स चलने वाले हैं, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी नहीं बता सकता. तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे. चलिए फिर मैं आपसे अभी मिलता हूँ, बाहर जाता हूँ बाज़ार में. अगर कुछ आपको दिखता है इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए तो आपको मैं दिखाऊंगा. हे गाइस, सो फिलहाल सुबह के 5 बज रहे हैं. तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. और एक चीज़ है, मतलब ईद पर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ईदगाह जाना, लेकिन इस बार बारिश हो रही है, पूरी रात हो गई है बारिश होते हुए. तो मैं अराउंड 1 बजे घर वापस आया था बाज़ार से. मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया, कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए. लेकिन फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई और बारिश ही हो रही है तब से, और मुझे नहीं लगता कि अब हम ईदगाह जा पाएंगे. तो मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ईद पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो ईदगाह की ही है. साल में एक बार जाते हैं, अब मेरा दिल होता है कि हम वहाँ जाएँ. मतलब सबसे अच्छी चीज़ मुझे ईद की वो ही लगती है, लेकिन इस बार वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो होप्स हो कि अगर बारिश रुक जाए और सब ग्राउंड वगैरह सूख जाए तो शायद हम चले जाएं. और एक चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी थी, तो मुझे एक सर्टिफिकेट और मिला है, ये है फिलहाल यहाँ पर. तो मैं यहाँ पीछे लगाने वाला हूँ, थोड़ी सी भी जगह इधर है, आप देख सकते हैं. तो मतलब वैसे तो अगर देखा जाए कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है सर्टिफिकेट की. क्योंकि लाइफ में आपकी हमेशा हर चीज़ पैसे से ही नहीं होती. मतलब अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जब इस तरह का कोई सर्टिफिकेट या कोई इस तरह की कोई चीज़ मुझे मिलती है कंपनी के थ्रू जिनके साथ हम वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील होता है. तो मैं इसे लगाने वाला हूँ पीछे यहाँ पर, और देखते हैं क्या होता है सुबह को. और एक और आज जो बुरी चीज़ हुई कि मैं वेट करता रहा बहुत टाइम तक अपने फ्रेंड्स का, वो आने वाले थे, मैं हम बाहर जाते साथ में, लेकिन वो आए नहीं. मैंने मतलब 2:30 बजे तक आतिफ को कॉल करी कि मैं उसका वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आया. तो चलिए सुबह में हम मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है. अगर बारिश रुक जाए तो, बारिश आती रही तो फिर भी हम कहीं नहीं जा पाएंगे. मतलब ईद सपोज वेस्ट ही हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा.
और नींद भी नहीं आ रही है फिलहाल, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे ईद पर जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है ईदगाह में आके नमाज़ पढ़ना। तो चलिए और लोगों से भी पूछते हैं उनको क्या अच्छा लगता है। पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपने भाई से, इनसे पूछता हूँ आपको ईद पर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। देखिए ईद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम सब एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ ईदगाह में नमाज़ अदा करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा आप देख रहे होंगे आपके चारों तरफ लोग ही नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ आपको टोपी कुर्ते पजामे नज़र आ रहे हैं। तो ईद की सबसे अच्छी बात यही है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ नमाज़ अदा करते हैं ईदगाह में। तो चलिए अब किसी और से पूछते हैं कि उनको ईदगाह में ईद पर सबसे अच्छा क्या लगता है। तो आप हमें ये बताइए आपको ईद पर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है। हमारे भाई ईद की नमाज़ अच्छी लगती है। ईद की नमाज़ आपको अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर माशाल्लाह जो रमज़ान रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, उसमें जाके ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हैं, उससे हमें बहुत सुकून मिलता है। क्या तो दोस्तों फिलहाल मैं ईदगाह में हूँ और ईद की नमाज़ हमने पढ़ ली है, बारिश नहीं आई लेकिन नमाज़ होते ही काफ़ी बारिश हो गई। आप देखिए सबके हाथ में छतरी है यहाँ पर। काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया मौसम हो गया है और बारिश भी हो रही है। फिलहाल मैं आतिफ के साथ हूँ। हेलो। और बहुत दिन बाद हमारा मिलना हुआ है और काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे मिलने की, ये काफ़ी दिनों से आया हुआ है लेकिन हमारा मिलना नहीं हो रहा था। तो फिलहाल हम घूमने निकले हुए हैं कमांडो पर, और तो वही वाला सवाल ईद वाला जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तो मैं आतिफ से ही पूछ रहा हूँ। भाई आतिफ तुम्हें क्या अच्छा लगता है ईद पर सबसे ज़्यादा? ईद पर मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि हम लोग अपने पुराने फ्रेंड से मिलते हैं, जिनसे हम लोग मिलना ही मिल पाते और रिश्तेदारों में रिलेटिव में जाते हैं हम लोग, और सब लोगों से मतलब एक गेट टुगेदर सी हो जाती है। एक पुराने रिश्ते जो आपके पुराने जो आपके रिलेशन हैं वो बरकरार रहते हैं, आप जो है उन लोगों को एक दोबारा से एक रहना होगा। तो सबकी अपनी अलग अलग मतलब वजह है ईद को पसंद करने की, किसी की कोई वजह है, किसी की कोई वजह है। बात इतनी सी है कि मतलब ये बेस्ट चीज़ है जिनसे आप नहीं मिलते, पूरा साल हो जाता है ना, उनसे भी मौका मिल जाता है। मौका ही मिला है, मैं अब दिल्ली से आया हूँ, अब हमें इतना टाइम हो गया दोनों को मिले हुए। पहले हम जब स्कूल लाइफ में रोज़ मिलते थे, रोज़ हमें कहीं ना कहीं जाना होता था, लेकिन अब टाइम ही नहीं है। लेकिन सिर्फ ये ईद एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम मिल पाए हैं, या आप और भी कोई फेस्टिवल कह लिए जिसकी वजह से सब मिल पाते हैं। तो ईद स्पेशल स्पेशली ईद पर हम मिलने का ही यही बात है, बस ईद का ही एक मौका है जिसकी वजह से हम निकल पाते हैं बाहर। और अब हम घूमने निकले हैं, मतलब काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि टाइम मिले निकले, लेकिन लाइव ही बिजी हो गई है कि हम स्टंट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी बहुत दिन बाद निकली है, महीनों गए हैं इसे खड़ी रहती है, हमें चलाने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है गाइस, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, अभी फिलहाल हम थोड़ा सा घूम लेते हैं, अपने लिए भी टाइम ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। और मतलब
मतलब पूरा दिन बहुत बढ़िया रहा, ईद पर बहुत मज़ा आया, नमाज में बहुत मज़ा आया और आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो ठीक है, आप भी, मुझे उम्मीद है आप भी फुल मस्ती कर रहे होंगे, ईद पर फुल मज़े कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस, फिलहाल मैं घर पर आ गया हूँ, आदित्य को मैंने ड्रॉप कर दिया उसके घर पर। तो काफ़ी मज़ा आया आज ईद पर, काफ़ी अच्छा दिन रहा। और फिलहाल मैं बहुत सारी जगह होकर आया हूँ पूरे दिन। पहले मैं अपनी सारी सिस के गया और भी रिलेटिव्स के गया, फिर आतिफ के पास गया, तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और पेट की भी बैंड बची हुई है। हर जगह कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और पहले से तो बेहतर लगा होगा। मैं अपनी पूरी 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना बेस्ट हो सकता है मुझसे उतनी बेस्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और कुछ बेहतर कहें या बेस्ट कहें या बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, जल्दी आपको वो ब्लॉग्स मिलेंगे। तो आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया है, जो कि आया होगा, तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप भी बन जाइए फैमिली के मेम्बर और ज्वाइन कर लीजिए इस फैमिली को। और आप ही का सपोर्ट है कि उसकी वजह से मैं ये चैनल चल रहा है, मैं वीडियोस डाल पा रहा हूँ और ये चैनल ग्रो हो रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जल्दी ही 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आप ही की ही ये सपोर्ट है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उन्हें। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में और कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, जो आपको पसंद आए और आपके काम भी आए। तो दोस्तों, मैं हूँ फहीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।